अगर आप निवेश के लिए किसी मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में हैं, तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। इसने अपने निवेशकों को कम समय में जबरदस्त रिटर्न दिया है। 25 जनवरी को स्टॉक में 2.16% की गिरावट आई है और ये 1,036 रुपए के भाव पर बंद हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इंट्राडे में स्टॉक 1,119.55 रुपए के अपने 52 वीक हाई को छू लिया। इसका 52 वीक लो 349.90 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 11,623.92 करोड़ रुपए है। एल्कॉन इंजीनियरिंग ने भी Q3 FY24 में मजबूत तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 21.79% की बढ़ोतरी के साथ 473.56 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130.37 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी का PAT 79.15 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 43.5% बढ़ा है। एल्कॉन इंजीनियरिंग को हाल ही में स्टील की दिग्गज कंपनी ArcelorMittal निपोन स्टील इंडिया से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस घरेलू सौदे में बेल्ट कैनवेयर, मैकेनिकल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण और सप्लाई शामिल है। हाल ही में FII ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके अलावा कंपनी में दिग्गज निवेशक विजय कोडिया का भी निवेश है। पिछले एक महीने में एल्कॉन इंजीनियरिंग के शेयरों में 10% की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले 6 महीने में इसने 37% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 173.64% की शानदार तेजी आई है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में इसके निवेशकों को 2,520% का बंपर मुनाफा हुआ है। जनवरी 2020 में कंपनी के एक शेयर की कीमत 39.65 रुपए थी, जो कि आज के समय में बढ़कर 1,036 रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि इस अवधि में निवेशकों का पैसा 26 गुना बढ़ा है। अगर आपने 4 साल पहले स्टॉक में 1,00,000 रुपए लगाए होते, तो आज आपकी रकम बढ़कर 26,00,000 रुपए हो जाती।